Good morning, all of you. Today I shall teach lesson 2, computer and its parts. ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया था, अब पढ़ाएंगे आपको इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, इनपुट डिवाइस में दे रखा है कि जो भी आप पढ़ा देता हूँ पहले. The word input means something that the user of the computer will put. In other words, in this part, user enters data and command to the computer. Keyboard and mouse are the input device. बच्चों, जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जैसे माउस, कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइस होते हैं. इनपुट के माध्यम से ही हम डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं. ठीक है, जिसको हम इंफॉर्मेशन में बोलते हैं डाटा को. उसके बाद पढ़ेंगे आगे आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस होता क्या है इसके बारे में बताऊंगा. तो पहले पढ़ते हैं, द वर्ड आउटपुट मींस समथिंग दैट द कंप्यूटर विल पुट आउट आफ्टर डूइंग सम वर्क और प्रोसेसिंग ऑन द डाटा. प्रिंटर्स एंड मॉनिटर आर द आउटपुट डिवाइस. The result are display on TV like screen called the monitor. Output जो होते हैं तो monitor होता है, एक होता है printer. जब हम work कर लेते हैं computer पर उसके बाद हम print देते हैं, ठीक है, वो भी output है, यानी जिसको हम result कहते हैं. और जो computer की यानी monitor की screen पर दिखाई देता है work, वो भी एक output होता है. ठीक है बच्चों, उसके बाद पढ़ेंगे processing. प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में देखिए, प्रोसेसिंग होता क्या है. प्रोसेसिंग है अरिथमेटिक लॉजिक डिवाइस एंड कंट्रोल डिवाइस टुगेदर फॉर्म द प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर. द मेमोरी डिवाइस एंड द सीपीयू आर फिक्स्ड टुगेदर इनसाइड वन सिंगल केबिन और बॉक्स. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. प्रोसेसिंग डिवाइस यानी सीपीयू एक कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. कंप्यूटर का जो दिमाग होता है ये सीपीयू होता है, ठीक है, जैसा ये स्क्रीन में दिखा हुआ है. ठीक है, और ये जो क्या करता है, ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कार्य ही करता है, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. इसको बोलते हैं ALU बोलते हैं. ALU का कार्य होता है कैलकुलेशन करना. जितनी भी गणनाएँ होती हैं कंप्यूटर में वो ALU का कार्य होता है. और मैंने आपको बताया गया है कि CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और CPU ही कंप्यूटर का दिमाग है, ब्रेन. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, आपने अंदर समझ लिया होगा. आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे जैसे कंट्रोल यूनिट. यहाँ पर भी दे रखा है कंट्रोल यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है कैलकुलेशन करने का कार्य करता है. ये है मेमोरी यूनिट. मेमोरी जो यूनिट है ये मेमोरी यूनिट जो है ये डाटा को स्टोर करते हैं, अगर ये डाटा को स्टोर करती है. ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं या ठीक है उनको कंट्रोल करना होता है. जैसे इसमें देखिए, द यूनिट विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ द इन्फॉर्मेशन बिटवीन CPU एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से वर्क लेता है. ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट एक पार्ट है CPU का. उसके बाद पढ़ते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. अरिथमेटिक लॉजिक जो यूनिट है मैंने आपको बता दिया, ये CPU में होता है जो कैलकुलेशन करने का कार्य करता है. इसमें पढ़ेंगे आगे, द यूनिट विच परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर. इसमें जो है कई टाइप्स के होते हैं, अरिथमेटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रिलेशनल भी होते हैं. ठीक है, जो कैलकुलेशन करने का कार्य करते हैं, जितनी भी गणनाएँ होती हैं वो सब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से ही होती है कंप्यूटर में. उसके बाद पढ़ते हैं मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करने के लिए होते हैं, तो पढ़ देंगे. आगे पढ़ते हैं, द यूनिट विच स्टोर्स
all types of data and processing information inside the computer. ये मैंने आपको बता दिया है कि डेटा को स्टोर करने के लिए होती है किसी भी तरह की, कोई आपका एजुकेशन संबंधित नोट्स हो किसी भी तरह के, ठीक है, किस तरह ऑडियो वीडियो, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क हो, वो सब आप स्टोर कर सकते हैं मेमोरी. उसके बाद पढ़ते हैं आगे स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज जो डिवाइस है, अब यहाँ पर स्टोरेज जो डिवाइस दे रखी है कई तरह की दे रखी है. एक दे रखी है सीडी, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क. एक बोलते हैं, एक होती है डीवीडी, डिजिटल वर्जिटल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है. एक होती है ये द सीडी है, सीडी और हार्ड डिस्क, सॉरी सीडी और डीवीडी. उसके बाद हार्ड डिस्क ये फ्लॉपी डिस्क. उसे पढ़ते हैं द डिवाइस विच आर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन परमानेंटली इनसाइड द कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज, फॉर एग्जाम्पल डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क. जो पहले उसमें चित्र में दे रखी है ये होती है डीवीडी, उसके बाद ये सीडी है, ये हार्ड डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क. सीडी जो है 700 MB तक डाटा ही यूज कर सकती है, ले सकती है, 100 MB तक डाटा ही ये सीडी ले सकती है. और डीवीडी 4 GB तक डाटा को ले सकती है. इनका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है. जो डीवीडी दे रखी है यहाँ पर, ये डीवीडी है, ये 4 GB तक डाटा को ले सकती है. ये सीडी है, ये सीडी जो है 700 MB तक डाटा को ले सकती है. ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क जो होती है ये सेकेंडरी डिवाइस होती है और परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखती है. आप कभी भी ओपन कर सकते हैं डेटा को, देख सकते हैं 1 साल बाद 2 साल बाद, ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर ठीक है और आप वर्क कर रहे हैं कभी भी देख सकते हैं. तो ये 125 GB की भी होती है हार्ड डिस्क और 500 GB की होती है. ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है, ये फ्लॉपी डिस्क जो है किसी भी डेटा को चेंज करने के लिए, ठीक है, ये बहुत ही कम यूज होती है, वैसे अब यूज नहीं होती है, ठीक है. आगे पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर देखा है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज द की टू प्रोडक्टिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स विद द करेक्ट सॉफ्टवेयर. ए कंप्यूटर कैन बिकम्स ए वैल्यूएबल टूल, इन अदर वर्ड्स बट ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. इसमें कहा गया कि सॉफ्टवेयर इज द की, सॉफ्टवेयर जो है की है और प्रोडक्टिव यूज, किसी प्रोडक्ट के लिए यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है. जैसे बैंक में सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, रेलवे का सॉफ्टवेयर होता है, कॉलेज में बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और काफ़ी जगह पर यूज होता है सॉफ्टवेयर. एक प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम किसी इंस्ट्रक्शन को सेट कर देते हैं, ठीक है, इस सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. एक सेट होता है प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है. उसके बाद रखा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आपको बताया जा रहा है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में दे रखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर. जो भी कंप्यूटर पर आप वर्क करते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और सॉफ्टवेयर से वर्क लेता है, ठीक है, सभी प्रोग्राम को सेट करता है, सभी प्रोग्राम को सेट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उन्हें क्या करता है, ऑपरेशन कंट्रोल करता है, ठीक है, जब आप वर्क करते हैं. आज के लिए इतने बच्चों, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर से, ठीक है, ओके.